हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्लास में पास्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने दो वीडियोस देख रखी हैं इस पास्ट ईयर क्वेश्चन पे। कंटिन्यू करते हैं इसी को आगे। इसको कंटिन्यू करने के बाद मैं कल कुछ लोगों को कुछ डाउट हो गया था, तो उस डाउट को भी मैं लूंगा, क्लास के एंड में लूंगा। देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास आज के सेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन हमारे कुछ एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए, अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर आवर प्रीलिम्स कोर्सेज एंड मेंस कोर्सेज, दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज राइट नाउ, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्टार्ट करने में हम लोगों ने देख रखा था कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को पांच पार्ट में डिवाइड किया था, जहां पर टर्शरी सेक्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडस्ट्री एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया 1995 का। यहां पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर लाइकली टू एक्रू टू इंडिया फ्रॉम WTO। यहां पर बात कर रहा है कि WTO के नॉर्म में या कह लीजिए WTO के हिसाब से क्या कुछ चीजें हो रही हैं। तो देखिए, 1995 का क्वेश्चन है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे अपने आज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। तो यहां पर फिलहाल जो पूछा गया सो पूछा गया, इसको कट आउट करते हैं और हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारे पास आज की डेट में है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि WTO के हिसाब से जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं हम लोग चीजों को। तो मैं जो भी डेटा ले रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे से ले रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो प्रेजेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 2.1 हुआ करता था 2018-19 के डेटा में, ये इंप्रूव होकर के 1.9 पे चला गया है 2019-20 के सर्वे के डेटा में। तो ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है करंट अकाउंट डेफिसिट में। इसके अलावा अगर बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हमारे जो 11.2% पे हुआ करते थे वो अब घट के 9.3% पे हो गए हैं। इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब डेटा है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए फॉरेक्स रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा $302 बिलियन हुआ करता था, जो बढ़ करके इस समय $461.2 बिलियन US हो गया है। तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज है जो हमारी सीन है। तो यहां पर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में है कि इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड गो टू $600 बिलियन टू $5 बिलियन। अब देखिए, अगर ये तो हुआ जो आपका बेसिक डेटा है, इसके बाद हमारा आता है कि हमारा जो एक ट्रेड है ग्लोबल ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो ग्लोबल ट्रेड हमारी लगभग 2.9% ग्रोथ हमें देखने को मिली हुई है, और ये 2.9% जो ग्रोथ है वी कैन फेच दिस अप टू 8-9% अकॉर्डिंग टू आवर रोड मिनिस्टर MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी। इन्होंने कहा है कि हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं 8-10% तक लेके जा सकते हैं। अगर इसमें हम लोग कंपोजिशन देखें तो बेसिकली हमारा कंपोजिशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट में देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है बेसिकली वो 2.1% के नियर अबाउट में मर्चेंडाइज एज वेल एज हमारे किसको लेकर के सर्विस सेक्टर को लेकर के। इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू है $481.74 बिलियन। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के बारे में बात करें अगर तो इंपोर्ट ऑब्वियसली हमारा ज्यादा है, ये नियरली 2.6% सर्विस और मैनेजमेंट में मतलब कि मर्चेंडाइज में आ जा रही होती है। वैल्यू के बारे में बात करें तो $600.62 बिलियन ये हो जाती है हमारी ट्रेड। हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इनफैक्ट वी कैन इंप्रूव आवर एक्सपोर्ट, और इसको हम लोग 8-9% तक कर सकते हैं अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी बनानी है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस ग्रोथ में चाइना का क्या सीन है, तो चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड है वो ग्लोबल ट्रेड नियर अबाउट में 17% ऑफ टोटल ट्रेड पे है। तो काफी अच्छा ट्रेड, मतलब काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन कह लीजिए ग्लोबल ट्रेड में हमें देखने को मिल जा रहा होता है। ये सारा डेटा आप लोग फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और ऐसी जगह लिखिएगा जहां पर आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गई हमारी ट्रेड। इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी फ्रॉम इंडिया, नो नॉट एग्रीकल्चरल, सर्विस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा होगा अभी के केस में। तीसरी जो है, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज लाइकली टू ट्रिपल। तो ये ट्रिपल उपल नहीं, अभी फिलहाल में अगर देखेंगे इन केस अगर होता है तो देखा जाएगा कि हाँ इट कैन ट्रिपल, तो ये चीज हो सकती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम तो बहुत पुराना है, 1995 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज के टाइम में अगर पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, इसलिए काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है सारी इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए। नेक्स्ट हो जाती है क्वेश्चन नंबर टू के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है लोकल सप्लाई ऑफ कोल इज नॉट अवेलेबल टू। अब देखिए जैसे जमशेदपुर हो गया, झारखंड में है,
दुर्गापुर हो गया वेस्ट बंगाल में, भिलाई हो गया आपका छत्तीसगढ़ में आ जाती है। तो ये सारे के सारे रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है कोल रिजर्व के लिए, तो सब जगह पे कोल पाई जाती है। लेकिन ये भद्रावती जो कर्नाटक में, यहां पर कोल नहीं पाई जाती है, तो इस वजह से ये हो जाएगा एग्जाम्पल, जहां पर लोकल सप्लाई ऑफ कोल इज नॉट अवेलेबल टू, दिस इज वेयर द कोल सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, बाहर से लेकर के आना पड़ता है। इनफैक्ट बाहर से लेकर के भी नहीं आना पड़ता है, ये होती है थर्मल पावर प्लांट से काम कर रही होती है। तो ये जो सेक्टर है आयरन की इंडस्ट्री है ये, और भद्रावती, और यहां पर थर्मल पावर प्लांट से काम किया जा रहा होता है। क्लियर हो गया। चलिए खैर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू। अब देखिए यहां पर कोई आंसर नहीं है, पहले एक्चुअली 6 हुआ करता था, लेकिन इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। इस समय का ये केस है 5। 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे केमिकल एक्सप्लोजिव्स हो गए, या फिर डिफेंस हो गई, या फिर और भी कुछ चीजें जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, या फिर कुछ चीजें ऐसी जो हजार्डस केमिकल्स वगैरह हो जा रहे होते हैं। तो ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज बाकी जगह पर लाइसेंस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, तो देखिए अर्बन माइक्रो एंटरप्राइज, फिर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन आर पार्ट 2। तो देखिए अगेन ये जो स्कीम है काफी पुरानी है, 1987 की स्कीम थी और ये किसी काम की नहीं है हमारे लिए। अगर इसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर हुआ करता था नेहरू रोजगार योजना, बट आप इसको स्किप कर सकते हैं, हमारे किसी काम की स्कीम नहीं बची है। आगे अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज स्मॉल स्केल सेक्टर टू द ग्रॉस टर्नओवर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंस 1992 हैज बीन। देखिए अब अगेन ये क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसका रिवाइज्ड वर्जन हमारे काम का है, इसे हमें देखना पड़ेगा कि आखिर में आज की चीज, आज के कंडीशन में क्या है। तो आज की कंडीशन में अगेन मैं कुछ डेटा बता रहा हूं, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में आप इसको लिखिएगा। यहां पर क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अगर बात करें डेटा कैसा है, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है 15.87% इनका कंट्रीब्यूशन है। तो नियरली आप याद रखिए कि नियरली 16% कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से याद रखिए, एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा अगर बात करें एग्रीकल्चर के अलावा, तो आ जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो परसेंटेज शेयर है वो नियरली 30% है, 29.73 एग्जैक्ट के बारे में, और नियरली 30% आ जाएगी आपकी शेयर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सर्विस सेक्टर की स्कीम, तो सर्विस सेक्टर नियरली जो है 54.4% है, और आप इसको राउंड ऑफ करके 54% लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमारा 100% हो जाएगा। तो ये है सर्विस सेक्टर के हिसाब से, लेकिन ये हुआ अलग से। अब हम लोग जरा देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के तरीके से, तो प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया, और टर्शरी प्रोडक्ट हो गया। तो सेकेंडरी जो टर्शरी है वो तो सेम सेम सा रहेगा, वहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में बदल जाएंगे, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो प्राइमरी सेक्टर की हो रही होती है। तो प्राइमरी सेक्टर में रिलेटिवली थोड़ी सी बढ़ जाती है, 18.57% हो जाती है, नियरली आप बोल सकते हैं कि 18.5। बाकी जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 27.03% पे आ जा सकता है, और इसको आप बोल सकते हैं कि 27.0% पे ये है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। टर्शरी के बारे में बात करें तो लगातार इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिसेंट में इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन अगर प्राइमरी और एग्रीकल्चर में बात करूं तो ये डिक्लाइन देखने को मिल रही है, अच्छा खासा, मतलब 20% से लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, अगेन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो पेपर के लिए कौन कौन सी जगह जानी जाती है, ये जानी जाती है आपकी यमुनानगर जो कि हरियाणा में है, गुवाहाटी जानी जाती है जो कि असम में है, बल्लारपुर जानी जाती है जो कि महाराष्ट्र में है। तो बेसिकली ये 3 जगह है जो आपको जानी जानी चाहिए। ये देखिए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखिए पूछे जा सकते हैं इस तरीके के भी, हालांकि अब इस तरीके के क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है सरकार इस एग्जामिनेशन में। बाकी इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो देखिए मैच करना है। तो ग्लास इंडस्ट्री पता है, ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद में होती है, ब्रासवेयर ये हो जाती है मुरादाबाद में, सिमिलरली हैंडमेड कारपेट जो होती है वो मिर्जापुर में होती है। तो बस बचा क्या, मरकपुर पता चल गया स्लेट इंडस्ट्री है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा आराम से। तो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं जरा क्या चीज है, आगे आ जाती है कि प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए बेसिकली यहां पर एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है किसी कंट्री का,
तो एक्सचेंज रेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था कि इंडिया में पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था बिफोर 1991। उसके बाद से हमारे यहाँ पर पार्शियल तरीके से कर दिया गया था, जहां पर 60-40 का रेशियो रखा गया था पहले, और ये किया गया था 1992-1993 के लिए, और 1996 से इसको पूरा का पूरा मार्केट ड्रिवन कर दिया गया है। तो मार्केट ड्रिवन या फिर कह लीजिए कि पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम कर दिया गया है 1996 ऑनवर्ड्स। अब एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है? एक्सचेंज रेट मैंने आप लोगों को बताया था उस समय भी कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जितने टैक्स कल्चर होते हैं, या कह लीजिए मार्केट की जो प्रोपेंसिटी नहीं लेकिन हाँ मार्केट की जो भी ट्रेड सिस्टम चल रही है उस पर डिपेंड करता है, ट्रेड पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक्सचेंज रेट क्या चलने वाली है, क्योंकि ये बेसिकली पूरा का पूरा एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड कर रहा होता है। डॉलर आया डॉलर गया उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा होता है। तो अब यहां पर वही बोल रहा है, कौन डिसाइड करता है? क्या वर्ल्ड बैंक करता है? क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड फॉर गुड्स प्रोवाइडेड बाय द कंट्री, यस देखिए ट्रेड में चला गया। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न कंट्री, या बिल्कुल हो गया, क्योंकि ट्रेड और पॉलिसी दोनों के दोनों इसी से निर्धारित हो रही होंगी। इकोनॉमिक पोटेंशियल से क्या करना है? बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पे पोटेंशियल काफी अच्छा है लेकिन ट्रेड नहीं होता है, तो केवल और केवल आंसर 2 और 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें तो देखिए व्हाइट गुड्स के बारे में, व्हाइट गुड का मतलब ये हो गया जिसकी भी व्हाइट लिक्विस्टोरिन होती है, मतलब कि वो देखने में व्हाइट हो रही होती है। जैसे हालांकि अब तो काफी कलरफुल आ गए हैं, लेकिन एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गई, ये जितनी भी चीजें होती थी पहले व्हाइट होती थी, व्हाइट कलर में आती थी, और इसी वजह से इसका नाम ही केवल और केवल पहले व्हाइट रखा जाता था। तो स्टेनलेस स्टील और जितने भी जितने भी आइटम परचेज फॉर कंस्पीकुअस कंजम्पशन होते थे इनको बोला जाता है हमारा सिस्टम, जो हमारी ये चीज हो जा रही होती है। तो व्हाइट ये एल्यूमिनियम वाली चीज नहीं है, यहाँ पर ये जो सिस्टम होती है कंस्पीकुअस कंजम्पशन से रिलेटेड हो जा रही होती है। देखिए हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सच ये है नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस समय के करंट अफेयर्स में हुआ करता था, उस समय की चीज में हुआ करता था, आज ये सब चीज बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस। इसके बाद अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट, जरा एक मिनट इरेज कर दूं मैं। हाँ, नाउ द क्वेश्चन, अब बोलता है कि 1, 2, 3, 4 ये मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहाँ पर वो मैप है जिसको आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मैपिंग रिलेटेड चीजें हैं, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी मैप मेकिंग क्लास चला ही रहा हूं आप लोगों की, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल के लिए देखें तो देखिए तिरुनवेली और कटनी हो गया, फिर सिक्का हो गया और चुर्क हो गया। तो हमें पता है कि जो हमारा कटनी है ये एमपी में है, और एमपी हमें दिख रहा है कि 2 नंबर पे हमारा एमपी होगा। तो फटाफट आप देख लेंगे कि 2 नंबर किसके पास में है, तो 2 नंबर ए के पास होना चाहिए, तो ए के पास या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे हमारे पास आ जा रही होती है तिरुनवेली। तिरुनवेली मुझे पता है कि यह तमिलनाडु में है, साउथ में है, तो 4 नंबर पे तिरुनवेली आ जाएगा, तो बी के पास देख लेते हैं, 4 आंसर बन गया बी। देखिए तो इस तरीके से यूपीएससी में बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है केवल कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है, और उसी के बेसिस पे आप फटाफट जो होता है इसको सॉल्व कर ले रहे होते हैं। तो आपको जरूरी नहीं होता है कि चारों के चारों ऑप्शन आता रहे, 2-3 ऑप्शन भी आता है तो आप इजिली कट आउट करके कर ले जाते हैं। इसी वजह से इधर उधर की थोड़ी फालतू नॉलेज भी रखनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेस नॉट इफिशियंट एज कंपटीटिव। अब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एमएसएमई को लेकर के, काफी ज्यादा चांस है इस बार एमएसएमई को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि ये काफी ज्यादा फोकस एरिया में रहा है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको याद रखना है? पहला, डेफिनेशन जो बदली हुई है उस डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है। सेकेंड, मुद्रा योजना के बारे में पता होना चाहिए कि मुद्रा योजना क्या है। थर्ड, एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको पता चलना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन हमारी कितनी हो रही है। क्लियर हो गया। फोर्थ, एमएसएमई को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइव, गवर्नमेंट स्टेप ने क्या क्या लिए हैं, गवर्नमेंट स्टेप आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीजें ली गई हैं। इसमें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है केवीआईसी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आ जाती है, और खादी एंड विलेज इसका काम कर रही होती है। तो ये आपका फोकस एरिया है जो आपको पता होना चाहिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कई लोग पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जरा आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन है। देखिए यही सब इंपॉर्टेंट होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, येट द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड रिजर्वेशन, क्यों दिया जाता है, यही पूछ रहा है, रीजन बताइए क्या रीजन है। प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन अ पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस, बिल्कुल करेक्ट है, सीधी सी बात है, जब ये नया एमएसएमई खुलेगा तो नया एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनेगा, एम्प्लॉयमेंट के नए नए तरीके निकल के आ रहे होंगे। रीजनल डिस्पर्जन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल करेक्ट है, सीधी सी बात है, रीजनल एरिया में बढ़ेगा तो रीजनल कैरेक्टर इनका बढ़ता जाएगा।
तो इस वजह से क्या है कि जो भी लोकल प्रोडक्ट होंगे वो ग्लोबल बनते जाएंगे। तो वही वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल वाला जो कह लीजिए स्लोगन है वो यहां पर परफॉर्म हो जाएगा। हैव परफॉर्म बेटर इन एक्सपोर्ट, नहीं, कहां एक्सपोर्ट में बेटर परफॉर्मेंस है, 30-32% केवल और केवल शेयर आता है, बाकी पूरी की पूरी तो मैन्युफैक्चरिंग एमएनसीज ही कर रही होती हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, ऑप्शन नंबर फोर के बारे में बात करें तो प्रोवाइड जॉब टू लो स्किल वर्कर्स हु अदरवाइज मे नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड एवेन्यू एल्सवेयर। तो देखिए लो स्किल लोगों को जॉब प्रोवाइड कर देता है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ये करेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अगेन यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हाई स्किल की जरूरत पड़ती है। तो ये केवल और केवल ऑप्शन बी हो जाएगी इसकी, और वन एंड टू करेक्ट हो जाएंगे, इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है बैलेंस शीट किसी कंपनी की आएगी तो उसमें क्या दिखेगा आपको, उसमें दिखेगा उनकी असेट्स कितनी है और उस फाइनेंशियल ईयर की आपको देखने को मिलेगी क्या कुछ असेट्स वगैरह हैं। तो बेसिकली आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी हो सकता है लॉस में जा रही होगी। एसेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड साइज ऑफ द कंपनी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल उस साल का ही डेटा लिखा हुआ है उस पे। डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, हाँ ये आप बता सकते हैं क्योंकि यही पूरी चीज उस पे लिखी हुई होगी। तो ये हालांकि देखिए क्वेश्चन तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। इसके बाद आ जाती है क्वेश्चन की आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, इंडस्ट्रीज लिखी हुई है और इंडस्ट्रियल सेंटर लिखा हुआ है कि यहां पर कौन सी चीज किसके पास काम कर रही होगी। तो देखिए पर्ल फिशिंग आपको पता है पुणे, यहां पर कहीं पर भी पोर्ट नहीं है तो पुणे में पर्ल फिशिंग तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। मरमा गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि शिप बिल्डिंग का काम होता है तो मरमा गांव में शिप बिल्डिंग करा देते हैं। पर्ल फिशिंग के बारे में सीधी सी बात है, पोर्ट चाहिए तो तूतीकोरन एक पोर्ट मिल जाता है। तो यानी एक चीज मुझे मिल गया कि ए का टू होगा और सी का फोर होगा। जरा देख लेते हैं ऑप्शन से क्या मिल पा रहा है। ए का टू ये हो गया, ए का टू ये हो गया, सी का फोर ये हो गया, सी का फोर हमें कुछ और नहीं मिल रहा है। तो आंसर सीधे सीधे देखिए ए हो जाएगा, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बाद तो आपको चीजें पता ही होनी चाहिए कि अगर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल जो होती है वो पुणे में ज्यादा हो रही होती है, इंजीनियरिंग गुड्स जो होती है वो पिंजौर में हो रही होती है। तो बस यही चीज है। तो अगेन यहां पर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी तब ज्यादा आ जाएगी, मतलब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आते रहे, कट पिट करके आपका आंसर निकल जा रहा होता है। यूपीएससी के यूपीएससी में आप ये अगर सोच के जाएंगे कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन पूरे आते रहेंगे तभी मैं करूंगा, तब फिर देखिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, आपको ऑप्शन से आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए खैर, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। यहां पर ग्राफ दिया हुआ है, प्रॉफिट के बारे में बताया है, सेल्स के बारे में बताया है, टाइम बताया है, लॉस इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें बताई हैं। यहां पर स्टेज के बारे में बताया और बताना है कौन सी चीज है। आप जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, फिर है मैच्योरिटी है, फिर ग्रोथ है, फिर इंट्रोडक्शन है। अब पहले आप क्या करेंगे, पहले आप प्रोडक्ट, जैसे कोई भी स्टार्टअप वाले से अगर बात करेंगे तो स्टार्टअप वाला पहले क्या करता है, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट रेडी करता है। तो बेसिकली पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर उस चीज का प्रोडक्शन कर देता है, या कह लीजिए इंट्रोडक्शन कर देता है। इस इंट्रोडक्शन के बाद वो सब चले आते हैं कहां पर, इस जो भी एंजल इन्वेस्टर है या कह लीजिए इन्वेस्टर के पास चले आते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं। अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे तो सीधी सी बात है मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के बाद अपनी ग्रोथ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चीजें कैसे निकल के आ रही हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप इंट्रोडक्शन होगा। तो ए के साथ 1 होना चाहिए, डी के साथ में 2 होना चाहिए। ए के साथ 1, ए के साथ 1, डी के साथ 1, सॉरी डी के साथ होना चाहिए कौन सी, 2 होनी चाहिए, डी के साथ 2 हो जाएगी। तो बस ऑप्शन देखिए यहां से आ गया, आप आराम से बता सकते हैं कि आंसर बी हो जाएगा इसका, बहुत ही आराम से। क्लियर हो गया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेसिस पे आप आंसर निकाल रहे होते हैं, जैसे इस तरीके का ही क्वेश्चन हो गया। डरना नहीं है इन सब क्वेश्चन से, आप थोड़ा सा बच कर रहिएगा, आराम से चीजें निकाल ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कंस्ट्रेंड बाय, किसके द्वारा जो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों रुकता है, किस वजह से रुकता है। तो पहले क्या हमारे यहाँ लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम हर गली में हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है। लैक ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्ट, नहीं ऐसा कुछ भी तो नहीं है, लेकिन हाँ लैक ऑफ सेविंग्स आप बोल सकते हैं क्यों, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग करनी पड़ती है, हो नहीं पाती है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यस दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद लिमिटेड परचेजिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इनफैक्ट 2, 3, 4 ये आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से आंसर सी निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है कि यहां पर स्मॉल कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडियाज पोटेंशियल साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। यहां पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टूरिज्म के लिए, और इसी वजह से हम लोग की जो टूरिज्म इंडस्ट्री उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई है। तो आप सीधे सीधे अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमें डी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, बाकी सब ऐसे ही फर्जी बात किए हुए हैं।
आगे अगर बात करें तो देखिए अगेन यहां पर थोड़ी सी बात की गई है कि कौन सी सेंटर कहां पे, कौन सी इंडस्ट्रियल यूनिट का सेंटर कहां पे है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको नालको के बारे में पता है कि हाँ ठीक है, जो हमारी नालको है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में है, तो आराम से आप बता देंगे कि दिस बी का आंसर टू होना चाहिए। तो या तो आंसर आपका बी होगा या तो आंसर आपका डी होगा, ये दोनों चीजों से आप बता सकते हैं कहां पर क्या है। एटलस के बारे में आपको पता है कि ये हरियाणा में है, हरियाणा भी आपका सोनीपत में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इस तरीके से कि ऑप्शन इसका केवल और केवल कुछ नहीं डी हो सकता है, डी के अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। हालांकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगेन मैं बोलूंगा किसी काम के नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, तो यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन हाँ आपको थोड़ी कंपनी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कहां पर है, जैसे नालको हो गया या बालको हो गया, ये सब चीजें कहां पर है आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द फास्ट बिकमिंग इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का है और हम लोग इसमें एकदम लोहा मनवा रखे हैं पूरे विश्व में। सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर, यह हार्डवेयर कहां से आ गया, अरे ये तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट नहीं, अब गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर हार्डवेयर लिखा है और हार्डवेयर में हम लोग पीछे हैं, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स और चिप जितने भी होते हैं, प्रोसेसर्स वगैरह हम लोग नहीं बना पाते, हम लोग पीछे हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहां पर आर इज फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, यहां पर बोलता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मैं आप लोग को बता रखा हूं कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है। लेकिन यहां पर बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फैक्टर डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब ये बताइए नेचर और साइज कैसे पता करेंगे आप। नेचर और साइज जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का टर्नओवर कितना है या कंपनी के असेट्स कितने हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कंपनी बिजनेस टर्नओवर देखिए यहीं पे, जैसे क्या है, चाहे वो नवरत्न हो, चाहे मिनी रत्न हो, चाहे महारत्न हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज कितना है, बिल्कुल। पावर कंजम्पशन, यस, ये भी पता होना चाहिए। लेबर फोर्स, नहीं, लेबर फोर्स में आपको नहीं पता होना चाहिए कि 15,000 है, 20,000 है, 10 है, 15 है, ऑर्गेनाइज बस होना चाहिए, बाकी कितना है ये आपके लिए किसी काम करेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सीधे सीधे। ये थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ाई मतलब कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको ये अपनी पूरी की पूरी जो भी ज्ञान आपने अभी तक लिया है उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा लगा करके यहां पर आंसर निकालना होगा। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, यहां पर बोलता है कि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कर गया है एंड एवरेज ग्रोथ क्या है, 50% है। तो देखिए अगेन ये 2000 वाला है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ इसका मॉडिफाइड वर्जन जरूर हमारे काम का हो जा रहा होता है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है ये है कि जो हमारा प्रेजेंट केस में अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे से, अगेन सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट है वो हमारा $135 बिलियन है, और ये है 2029-20 के बीच का डेटा है। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें मतलब 2018-19 की बात करें तो उस समय ये हुआ करता था $126 बिलियन, अभी कितना हो गया $135 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिनल चेंज है, ज्यादा कुछ खास चेंज तो नहीं हुई है, दिस इज 135 चेंज आया है, तो कुछ खास चेंज नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी हद तक सैचुरेशन फेज में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये तरीका हो जाएगा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज वर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेंटेन इंटरनेशनल क्वालिटी, बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऊपर वाले के लिए मैंने आप लोगों को डेटा दे दिया है। तो इस तरीके से आप अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में आता भी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये डेटा याद रखिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर बोलता है कि चार कैपिटल दिए और उनका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से लगाना है उनको सीक्वेंस में। तो अब सीधी सी बात है, इकोनॉमिक कैपिटल हमारा महाराष्ट्र है, फटाफट महाराष्ट्र को रख लेंगे तीन नंबर सबसे पहले, फिर गुजरात आ जाता है, तो इस तरीके से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये दोनों के दोनों सबसे टॉप पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा, कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु, तो बेसिकली ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और इसकी सीक्वेंस जो अभी है वही आज भी है, तो आपको बेसिकली यही वाला सीक्वेंस याद कर लेना है कि सबसे आगे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक आ जाती है और फिर तमिलनाडु आ जा रही होती है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया में क्या सीन है, कैसे है, ये चीज है नॉट रिक्वायर्ड, किसी काम का नहीं है क्योंकि हट गया ये पूरा का पूरा सिस्टम, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं क्या है। मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लार्जेस्ट नॉन ऑयल इंपोर्टर ऑफ कंट्री। तो देखिए लार्जेस्ट, हाँ ठीक है, लार्जेस्ट तो है ही, हालांकि जो होता है IOCL हो रखी है इस समय, IOCL तो क्या, हाँ ठीक है IOCL ही हो रखी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है।
इसके बाद बोलता है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज इनफोर्स क्वालिटी कंट्रोल टू प्री कंपल्सरी प्री शिपिंग इन इंस्पेक्शन. नहीं नहीं नहीं, देखिए यहां पर एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब ये है कि जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी का मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसकी गारंटी करनी है, मतलब कि जो पैसा एडवांस में दिया जा रहा है, लोन के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे बात हो जा रही होती है. तो यहां पे बेसिकली आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी ऑप्शन हो जाएगा. आगे बात करते हैं हिंडाल्को के बारे में. हिंडाल्को कहां पर है? रेणुकूट में. कहां पर आ जाती है? मिर्जापुर में आ जाती है, उत्तर प्रदेश में आ जा रही होती है. क्यों यहां पर स्थापित किया गया है? क्योंकि यहां पर अबंडेंट सप्लाई ऑफ पावर है, सप्लाई बड़ी अच्छी मिल जाती है यहां से, इस वजह से इसको रखा गया. अदरवाइज जैसे रॉ मटेरियल यहां पर नहीं मिलता, एल्युमिनियम वगैरह की यहां पर उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, बस ये पावर सप्लाई के कारण से यहां पर रखा गया है. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो बहुत खराब है. इनफैक्ट जो होता है पहाड़ों में है ये हिंडाल्को, तो किसी काम का नहीं है. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट ये भी नहीं है क्योंकि दूर दूर से मार्केट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिकमेंडेड फॉर एवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री इन कंट्री. किसी काम का नहीं है क्योंकि ये 2003 का है. इनफैक्ट जो रिसेंट में जो भी कंट्रीज रही हैं उस तरीके से चीजें, मतलब जो न्यूज में रही है उसको आपको याद रखना है. तो न्यूज वाली चीज बेसिकली आपको याद में रखनी है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का. और ये है विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग. वैसे इसका स्टेटमेंट का आंसर बता देता हूं. दिस इज आबिद हुसैन कमेटी. ठीक है, नरसिम्हन कमेटी आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट के लिए लगाई गई थी. नायक कमेटी, पीजे नायक कमेटी, ये आपके टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के लिए लगाई गई है. ठीक है, राकेश मोहन तो खैर मुझे भी नहीं पता है क्या कमेटी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा कौन सी कमेटी है ये. वैसे ये जहां तक है तो रोड सेफ्टी वगैरह के लिए बनाई गई थी. चलिए खैर, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट के बारे में बोल रहा है. यहां पर बोलता है कि आईपीसीएल इज इंडिया लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी. नहीं, पेट्रोकेमिकल आईपीसीएल नहीं है ये, इस समय ONGC हो रखी है, तो ये किसी काम की नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. रिलायंस इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट है, बिल्कुल है. MTNL न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बिल्कुल है. बिजनेस BSNL बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए. तो ये हो गई हमारी पास्ट ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशन. अब फटाफट ले लेते हैं आप लोगों के डाउट जो आप लोगों को हुए थे. तीन क्वेश्चन बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर्षित का था, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चित्रांशी का था, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में आत्मनिर्भर भारत में मैंने आप लोगों से पूछा था. तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्या चीज है. सबसे पहले हर्षित का क्वेश्चन ले लेते हैं. इन्होंने बोला था कि मान लेते हैं कोई बंदा ए है, कोई बंदा बी है. ए बंदे ने $10 में इनको मान लेते हैं कि उधार दिया हुआ है $10. अब ये भाई साहब क्रेडिट, ये भाई साहब जो होता है डेप्टर हो गए हैं, डेप्ट लिए हुए हैं, और ये भाई साहब क्रेडिटर हो रखे हुए हैं. अब ये $10 के हिसाब से इसने मान लेते हैं एक्सचेंज रेट ₹80 चल रहा था, तो इसने बेसिकली ₹800 उधार लिए हुए थे. लेकिन जब इनको देना पड़ रहा है तो उस समय एक्सचेंज रेट मान लो 100 का हो गया, तो अब ₹1000 देने पड़ रहे हैं. तो इस केस में तो ये बेचारा जो होता है डेप्टर होने के बावजूद इसको लॉस हो गया. अब ये बताइए आप कि आप ये बताइए फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करना चाह रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में कमोडिटी का चेंज कर रहे हैं, या मार्केट की इन्फ्लेशन देख रहे हैं. अब बताइए इन्फ्लेशन अगर देख रहे हैं आप तो या तो डॉलर में ही कैलकुलेट करिए. अब $10 में ही है, कहां इसमें इन्फ्लेशन आई? कुछ नहीं इन्फ्लेशन आई है. लेकिन अगर फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो ये तो आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट यहां पर नहीं हो रही होती है जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं अपने इन्फ्लेशन की. ठीक है, तो फॉरेक्स में आपको नहीं जाना है. दिस इज बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला फंडा आ जाएगा और यहां पर लॉस होता है. जब भी एक्सचेंज रेट की वैल्यू चेंज होती है तो लॉस होता है, बट दैट इज नॉट द इन्फ्लेशन. वो इन्फ्लेशन नहीं होती है. क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर, तो यहां पर वो चीज अलग हो गई है. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था चित्रांशी के द्वारा कि व्हाट शुड अ कंपनी डू टू डील विद इन्फ्लेशन. अब देखिए कंपनी अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और अगर इन्फ्लेशन आ रखी है तो इसमें क्या किया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा. तो देखिए इसमें इन्फ्लेशन में क्या होती है कि एक तो महंगाई बढ़ चुकी है. महंगाई बढ़ी है क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो मिसमैच हो रखा है. चाहे वो आपका कॉस्ट पुश हो, कॉस्ट पुश का मतलब इनपुट कॉस्ट जो होती है वो महंगी हो गई हो, चाहे वो आपका डिमांड पुश हो तो कुछ भी हो, दोनों ही सेक्टर में जो होती है वो महंगाई बढ़ चुकी है. अब जैसे कोविड का केस लेकर के चलते हैं, कोविड का केस अगर लेके चले तो देखिए कोविड के केस में बहुत सारी ऐसे प्रोडक्शन हुई थी जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया गया. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया तो अब जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन का फर्क अब इन पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन प्राइजेस जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की है वो फिक्स हो चुकी है, उनका कोई फर्क नहीं आएगा. लेकिन इनके बनाने में, इनके प्रोडक्शन में कॉस्ट जरूर आई होगी, तो अब इन्फ्लेशन का पूरा फर्क दिखेगा खाली और खाली कंपनी को.
तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनका कोई देखिए सिंगल आंसर नहीं होता है कि ये काम कर लेना चाहिए। ये देखिए सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्ट मैटर इज वेरी सब्जेक्टिव कि आप कौन सी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब जैसे इसी में अगर बात करें, अब जैसे पीपीई किट के बारे में बात करते हैं, तो पीपीई किट को हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते थे, लेकिन अब देखिए वो हमें महंगा पड़ रहा था, इन्फ्लेशन वहां पर ज्यादा हाई हो रही थी, तो हमने क्या किया, अपना खुद का पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। तो हम लोग अपना नया इंडस्ट्री यहां पर डेवलप कर लिए विद इन एन इन्फ्लेशन कंडीशन, इन्फ्लेशन कंडीशन में ही हम लोगों ने पीपीई किट नई इंडस्ट्री को ही स्टार्ट कर दिया। कोई सैनिटाइजर बना रही है, आप लोग देखे होंगे सैनिटाइजर की नंबर ऑफ कंपनीज जो होती है ओपन हो गई और अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमा रही है। तो ये इन्फ्लेशन वाली जो चीज होती है वो डिपेंड करता है कि जैसे पैंडेमिक के केस में सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि पैंडेमिक के केस में यहां पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल करने पे आ जा रही होती है। तो यहां पर देखिए सिंगल आइटम नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन का क्या है, यहां पर कंपनी कभी भी लोन लेने पर नहीं आएगी, क्योंकि लोन लेगी अगर सीधी सी बात है इन्होंने अपना क्रेडिट बढ़ा लिया है, क्रेडिट बढ़ाएंगे तो इसको लोन उतना ही महंगा मिलेगा, अगर महंगा पड़ेगा तो ये कंपनी चाहेगी कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट की भी जो भी प्राइस रखी जाएगी वो इसके हिसाब से रखी जाएगी, इन मतलब जो भी क्रेडिट लिया गया उसको कंसीडर करके रखी जाएगी। लेकिन उसको अगर उठा करके अगर ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल देंगे तो कंपनी वाला तुरंत तुरंत बायकॉट कर लेगा, कहेगा प्रोडक्शन ही नहीं करना है, इनफैक्ट यही किया भी जाता है। तो जो कंपनी है वो मार्केट को पहले देखती है, एनालाइज करती है कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा इसमें तो क्या चीज है। अब जो दूसरा क्वेश्चन इसी में डिस्कशन के दौरान में उठा था जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि भाई प्रोडक्शन करना भी है अगर कंपनी को, तो प्रोडक्शन करने के लिए भी तो इनको इनपुट कॉस्ट चाहिए होगी, और इनपुट कॉस्ट भी तो इस समय महंगा हो रखा है। बिल्कुल करेक्ट बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हाँ इनपुट कॉस्ट भी महंगा हो रखा है, लेकिन कंपनी ये नहीं देखती है कि इनपुट कॉस्ट कितना महंगा हो रहा है क्या हो रहा है, एक्चुअली ये चलती है परसेंटाइल बेसिस पे। परसेंटाइल का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट को मुझे ₹10 में बेचना है और इनपुट कॉस्ट मान लेते हैं कि पहले आ रही थी ₹6, ₹4 कंपनी प्रॉफिट मार रही थी, अब मान लेते हैं बढ़ करके अगर ₹8 हो जाती है तो ऑब्वियसली कंपनी वाला अपना पैसा बढ़ा करके ₹12 कर देगा, क्योंकि अपना ये परसेंटाइल जो ₹4 का है इसे ये खत्म नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिकली परसेंटाइल सिस्टम पे चल रही होती है, जहां पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंपनी, अब सीधी सी बात है कंपनी इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, वो अपने घर से आपको सोशल वेलफेयर कंडीशन नहीं अपनाएगी, सरकार तो कर नहीं रही है, कंपनी क्यों करेगी, तो ये तरीका अपनाया जाता है। तो यहां पर मैटर बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, यहां पर सिंगल चीज आप नहीं बोल सकते हैं कि ये काम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर इनकेस अगर क्वेश्चन आता भी है सिविल सर्विसेज में भी, तो आप को बहुत ही क्लियर कंडीशन दी जाएगी कि देखिए ये ऐसी सिचुएशन हो रही है, डिमांड ड्रिवन है या कॉस्ट ड्रिवन है, क्या चीज है, तो आपसे प्रॉपरली यहां पर केस जो है वो क्लियर करके पूछा जाएगा। यहां पर देखिए केस पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपनी हो सकता है एसेंशियल कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रही हो तो उस समय प्रोडक्शन ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या चीज है, जैसे जीएसटी के दौरान में आप लोगों ने देखा होगा कि जितने एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे 33% एक्स्ट्रा, 40% एक्स्ट्रा इस तरीके से आए थे। जैसे अब इन्होंने किया क्या था, अब जीएसटी में जैसे मान लेते 14% पहले टैक्स लग रहा है, जो सर्विस टैक्स हो रही है, वैट हो रही है, ओवरऑल मान लेते हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं केवल 5% लगाना है, पैकेजिंग हो रखी है, सब कुछ बंद रखा है, तो ये किए क्या थे, जितना भी मान लीजिए कि जो होता है सोप ही है, साबुन मान लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया था 33% एक्स्ट्रा, आपको लेना है नहीं लेना उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुकी है, आप पैकेजिंग केवल ये बदल सकते थे, तो अदरवाइज कंपनी को बहुत लॉस हो जाता। तो इस तरीके से उन्होंने पैकेजिंग जो होती है वो बढ़ा बढ़ा करके इस तरीके से की थी ताकि कंप्लायंस मतलब एंटी प्रॉफिटरिंग के लोग इसको पकड़े ना, हालांकि जो होता है एचयूएल पकड़ी ही गई, एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी के द्वारा एचयूएल को पकड़ा गया है, उनके ऊपर केस चल रहा है, समझ में आ गया क्या चीज है। तो अगेन ये मैटर बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, कई सारी चीजें यहां पर इन्वॉल्व है, उन सारी चीजों को जब तक क्लैरिटी नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में तब तक इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तीसरे डाउट पे आते हैं अब हम लोग। तीसरा डाउट मैंने ये बोला हुआ था कि एक मिनट में क्लियर कर दूं उसको। तीसरा मैंने ये बोला हुआ था कि आत्मनिर्भर भारत में क्यों नहीं किराना शॉप या फिर जनरल स्टोर्स वगैरह जो है वो क्यों नहीं खोल दिए जा रहे हैं। तो देखिए गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता है, गवर्नमेंट का काम, वी आर इन इंडिया, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है एंड वी आर नॉट कम्युनिस्ट। यानी इंडिया में क्या है कि आम आदमी को एक माहौल, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपना जो भी खर्चा पानी चलाना है या कह लीजिए वर्क करना है वो वर्क कर सके। अगर मान लेते हैं सपोज इंडिया में इस तरीके के जनरल स्टोर खोल दिए जाते हैं तो इनका मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज, सरकार को यहां पे करने की जरूरत ही नहीं है, सरकार आखिर क्यों किराना स्टोर खोलेगी,
सरकार को केवल और केवल रेगुलेशन करनी है, सरकार को इंश्योर करना है कि हर एक आदमी तक जो भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं वो पहुंचते रहे। उसके लिए सरकार अपना जो भी मार्केट इंस्पेक्टर्स फूड इंस्पेक्टर्स निकालती है वो निकाली ही हुई है। तो सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम क्या है, गवर्नेंस, मतलब सही तरीके से सही आदमी को सही चीज मिल पा रही है कि नहीं, यही है गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट इज बेसिकली व्हाट, गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट मतलब सरकार, यानी क्या बोल सकते हैं कि वेलफेयर इंश्योर करना है और चीजों को मेंटेन करके रखना है, ये काम होता है इनका। तो गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर रही होती, गवर्नमेंट ये काम कर रहे थे। फिर आप बोलेंगे कि तब तो हमारे बहुत सारे अदर सेक्टर्स भी हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, या फिर एयरटेल कम्युनिकेशन हो गई, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गया, फिर बहुत सारे, और टेलीनॉर आई हुई थी, तो बहुत सारे इस तरह की चीजें भी हैं। यहां पर क्यों कंपनी अपना बीएसएनएल खोल के बैठी हुई है, एमटीएनएल खोल के बैठी हुई है, और यहां पर क्यों टाटा स्टील है ही, जिंदल स्टील है ही, तो फिर क्यों यहां पर सेल खोल दे रही है। देखिए ये सारे जो आइटम्स हैं वो कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक आइटम्स हैं, जैसे स्टील हो गई या फिर आपका कम्युनिकेशन हो गया। यहां पर गवर्नमेंट को भी अपना एक कह लीजिए प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर मिसमैच होने के बहुत ज्यादा चांसेस होती है। लेकिन यहां पर किराना स्टोर, दिस इज वेरी जनरल आइटम एंड एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क। अगर मान लेते हैं कल को टाटा या जिंदल किसी वजह से किसी पर लॉकडाउन होता है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाएगा, और ये डिसरप्ट नहीं होना, इसी वजह से इसको ओपन किया जाता है। ये सारे एसेंशियल चीजें जो करनी पड़ेगी सरकार को, कम्युनिकेशन है, एसेंशियल है, करना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट हर जगह पे अपना एक, कोई इंडस्ट्री नहीं ओपन कर सकती है, इंडस्ट्री कहीं पर भी अपनी चीजें नहीं देख सकती है। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि यहां पर अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, कोई एक्शन ले रहा हूं, तो प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट नहीं कमाना नहीं है, बस प्रॉफिट का मतलब आम जनता तक वेलफेयर पहुंचता रहे। दीज आर एनपीओ, एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सरकार अपना फायदा, अपना रिवेन्यू नहीं कमा सकती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। फिर इसके बाद से मैं एक और एग्जांपल, मैं कल इस पे सर्च आउट किया था, तो थोड़ा सा मुझे एक एग्जांपल मिला। पहले क्या होता था कि जितने भी ब्लॉक लेवल हैं, तो ब्लॉक लेवल नहीं, मंडल लेवल पे, मंडल लेवल पे पहले एक विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक विकास, मंडल विकास निगम लगाया गया था। यह हमारे गोरखपुर में भी थी, और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के और कई सारे सेक्टर्स में लगाई गई थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उस समय उत्तराखंड जो होता है उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। तो इस तरीके से ये काफी अच्छा इन्होंने मंडल विकास निगम बनाया था, इसमें बसेस चलवाई जाती थी, ट्रेवल टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली चलती थी, होटल्स वगैरह थे, तो काफी अच्छा वर्क कर रहा था। और अगेन ये वही वर्क कर रही है जहां पर काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, एसेंशियल चीज है एक तरीके से कह सकते हैं, तो इन सारी चीजों में काम कर रही होती थी। लेकिन यहां पर थोड़े से करप्शंस वगैरह बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसके कारण से अल्टीमेटली इसको शट डाउन कर दिया गया। देखा गया कि सरकार यहां पर इंश्योर नहीं कर पा रही है वेलफेयर का काम, तो इस वजह से इसको शट डाउन कर दिया गया, तो ये हटा दिया गया था। लेकिन अभी भी खैर, अगर आप उत्तराखंड में चले जाएंगे तो वहां पर गढ़वाल और कुमाऊं, ये दो मंडल विकास निगम अभी भी काम करते हैं। इनफैक्ट यू कैन गो फॉर देयर वेबसाइट, आप इनके वेबसाइट को भी लॉग ऑन कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये दोनों अभी भी काम कर रही हैं। तो ये थे आपके पूरे के पूरे डाउट, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट स्टिल रहता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करके आप अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।